बस कर दो अफनान। अच्छा हुआ मामू जान ने तुम्हें कमरे में भेज दिया, तुम इतना हाइपर हो क्यों रहे हो वैसे? अरे तो और क्या करता मैं, तुमने देखा नहीं वो लड़की कैसे डैड के साथ बदतमीजी कर रही थी, कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी और क्या क्या नहीं कहा उसने डैड को, यहां तक कि कातिल भी कह दिया। तो अफनान तुम उसकी भी तो कंडीशन समझने की कोशिश करो, उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, मतलब ये वो वक्त नहीं है कि हम उसको गलत और सही समझाएं। तुमने देखा नहीं मामू जान भी खामोश थे। डैड की खामोशी नहीं उसे ये जुर्रत दी थी कि वो डैड के साथ इतनी बदतमीजी करे, और ना उसकी ये औकात नहीं थी। और तुम मुझसे क्या कह रही हो यार, तुमने खुद नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा कि कैसे बात कर रही थी वो डैड से, किस लहजे में बात करती। मेरा दिल करता मैं उसकी जान ले लूं। अफसान तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं पागल हो गया हूं, अगर ऐसा है तो समझो मुझे पागल। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं, आज के बाद अगर उसने डैड के सामने इस लहजे में बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। क्या हो गया अफनान तुम्हें, तुम लड़की पे हाथ तो नहीं उठाओगे ना? अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज, काम डाउन, इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अफीन वो रमशा नहीं आई खाने पर? भाईजान मैंने तबस्सुम को भेजा था उसके पास, उसने कहा है मुझे भूख नहीं है। उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगी ना, आप खाना खाइए आराम से। और वैसे भी भाईजान जो बदतमीजी अभी उसने की है, आपको लगता है कि वो हम सब के साथ बैठ के खाना खा सकती है? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है, और अभी आपने देख भी लिया। क्या हो गया मामजान, आप कहाँ जा रहे हैं? रमशा को लेने। डैड प्लीज, देखिए डैड अगर आप ऐसे उसे वापस ले आएंगे यहाँ पर तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं होगा। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। बल्कि गलती भी नहीं, गुनाह है। एक इंसान तकलीफ में अजियत के साथ सिसक सिसक कर इस दुनिया से चला गया, जिसकी वजह हम थे, गुनाह नहीं तो और क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं असद बेटा जी, आओ खाना खा लो। आप मुझे खाने पर बुलाने आए? हाँ मुझे लगा आप कहेंगे कि मेरे घर से निकल जाओ।
मैं क्यों कहूंगा ऐसा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूं? इसे क्या देख रहे हो बेटा? देख रही हूं कि मैंने आपसे कितनी बदतमीजी की। कितना बुरा भला का, कितनी बातें सुनाई, अपनी मां का कातिल करार दिया। बदले में आप से उतनी ही नरमी से पेश आ रहे। मुझे घर से निकलने को नहीं बल्कि खाने पे बुलाने को कह रहे। क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। अलीज़े सर्व करो टक मुशक प्लेट खाओ। अफ़नान प्लेट देना। अफ़नान अफ़नान प्लेट पास करो। लो बेटा लो आप खाओ। Thank you.